स्वागत है गाइस एक नया वीडियो में। आज वियतनाम में मेरा तीसरा दिन है और आज मैं जिस सिटी में हूँ, होचिमिन सिटी वियतनाम का, यहाँ से निकल के एक दूसरा जगह जाने वाला हूँ। आज से जो है मेन मोटो व्लॉग वो मेरा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और अभी ब्रेकफास्ट पे बैठा हूँ। यहाँ पे किचन देख रहे हो पीछे, यहाँ पे पकाया मैंने, पकाना किया नूडल्स, एक अंडा पोच और चाय। आप अगर बाहर किसी शॉप से ब्रेकफास्ट करोगे 100-200 रुपए तो ऐसे ही चला जाएगा और इंडियन रेस्टोरेंट में करने से तो बहुत महंगा हो जाता है। सबसे अच्छा है कि अगर किचन है तो खुद से बना के क्यों ना खाए, थोड़ा पैसा भी बच जाएगा। मतलब वियतनाम का जो मैप है वो एस शेप का मैप है। मैं फिलहाल वियतनाम का साउथ में हूँ, दूसरा कंट्री जाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन वियतनाम का जो प्लान है वो ये है कि मैं पहले साउदर्न मोस्ट पॉइंट में जाऊँगा, जो कि आज जाने वाला हूँ मैं। जो जगह का नाम है वो जगह का नाम है मेकोंग डेल्टा, फिर वहाँ से मेरा राइड स्टार्ट होगा और वहाँ से मैं जाऊँगा नॉर्थ का तरफ, और ये पूरा एक महीने का ट्रिप है मेरा वियतनाम का। सो ये हमारा बाइक जो हमने यहाँ से ख़रीदा और सामान वगैरह लोड हो चुका है। फिलहाल ये जो हॉस्टल है यहाँ पे लास्ट कुछ दिनों से यहाँ पे रुके थे। अभी पता नहीं रास्ते में जाने टाइम क्या प्रॉब्लम होता है, वो तो बाद में पता चलेगा। प्रॉब्लम के बारे में इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम बांध रहा हूँ मैं सामान ये बाइक पे, तो होता नहीं कि पहली बार समझ में नहीं आता कैसे कहाँ से बांधना है, तो थोड़ा देर चलने के बाद पता चलेगा कि कहीं से लूज़ हो रहा है तो वो टाइट करना होगा। तो ये हमारा हॉस्टल का ओनर है, जस्ट से हाई। या एक चीज़ जो लास्ट वीडियो में बोला था मैंने कि मेरा जो रैक है बाइक का वो चोरी हो गया, सामान रखने का जो जगह था, लेकिन वो एक्चुअली चोरी नहीं हुआ था। ये हॉस्टल का जो ओनर है उन्होंने वो उतार के रख दिया था क्योंकि यहाँ पे पार्किंग करने में थोड़ा दिक्कत है, जगह कम है। आज सुबह जब निकला तो उस टाइम वो बोल रहे कि वो तो मैं खोल के रखा हूँ। थोड़ी देर बाद जाके फिर एक बार चेक करना होगा सब सही है कि नहीं। जय श्री कृष्णा। ओके, सो बहुत कुछ काम करना बाकी है। अभी बाइक में बैठने के बाद मुझे याद आ रहा है बहुत कुछ छूट गया मेरा। चलो आज पहला दिन है, मैनेजेबल है, मैनेज कर लेंगे भाई। तो सबसे पहले तो मैं ये शहर से निकलता हूँ, शायद शहर से निकलने के बाद थोड़ा व्यूज़ वगैरह बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। कुछ कुछ चीज़ें जो बोल रहा था मैं छूट गया, जैसे कि ग्लव्स पहनना भूल गया मैं, ग्लव्स मेरा बैग के अंदर रह गया, रेन कवर रेनकोट वगैरह सारा बैग के अंदर रह गया, वो निकालना भूल गया। तो वैसे अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 और मुझे आज कवर करना है अप्रोक्स 160 किलोमीटर। मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ वो जगह का नाम है मेकोंग डेल्टा, वो एक रिवर है और साउथ चाइना सी के आसपास जा रहा हूँ शायद मैं। भाई इतने बाइक्स कहाँ जा रहे, सब लोग मेरे साथ जा रहे क्या मेकोंग डेल्टा? कार वगैरह तो ज़्यादा नहीं है लेकिन बाइक्स बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मैंने एक छोटा सा मिरर लाया था, पावरफुल मिरर, यहाँ पे लगाने के लिए, वो लगाना भूल गया मैं, वो बैग के अंदर रह गया। और भी बहुत कुछ, चलते चलते शायद और भी याद आ जाए मुझे। तो यहाँ पे साइड में फल वाला ऑडियो रिकॉर्डिंग चला के भेज रहा है, चिल्लाने का ज़रूरत नहीं है, सही है। और यहाँ पे बहुत सारा रोड ऐसा भी है ना जहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है, जैसे बगल वाला जो रोड देख रहे हो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गाड़ी जा रहा है, वो साइड पे बाइक अलाउड नहीं है। ये छोटा रास्ता पकड़ा दिया हम लोगों को बाइक वालों के लिए। भाई ये लोग कहाँ कहाँ से ओवरटेक कर रहे हैं भाई, लेफ्ट राइट दोनों साइड से, ये और एक लेफ्ट से जाएगा। सो यहाँ पे एक पेट्रोल पंप दिखा, वो पेट्रोल भर लेता हूँ मैं। ओके, पेट्रोल पंप बिन त्रेऊ हाँ दाऊ। तो पेट्रोल है क्या? पेट्रोल पेट्रोल हाँ, नो पेट्रोल, फुल हाँ, फुल फुल हाँ, फुल ओके ओके। 4 लाख करेगा ये, यहाँ पे घुसा एक 1.8 लीटर 4 लाख डोंग। हाँ इतना महंगा, बहुत दिक्कत है पैसा का हिसाब करना। 4 लाख हुआ है, 5 लाख दिया है मैंने, तो मुझे 2 लाख, इसने 2 लाख क्यों दिया, कंफ्यूज हो गया। हाँ हाँ 60-40 ओके ओके, 4 लाख नहीं सॉरी 40,000। यहाँ पे पॉइंट दिख नहीं रहा था एक्चुअली। मुझे यहाँ पे रिजर्व का बटन देखना होगा कहाँ पे, नहीं तो पता नहीं चलेगा। रिजर्व का कोई सिस्टम नहीं है भाई,
चलो बढ़िया। आज ये राइड करने के बाद पता चलेगा कि बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम है और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है और क्या क्या चेंजेस ज़रूरी है। तो एक दो प्रॉब्लम तो अभी भी नज़र आ गया मुझे, वो होटल पहुंचने के बाद डिस्कस करूंगा। बहुत व्हीकल्स है यार, मैंने सोचा था कि सुबह सुबह इतने ज़्यादा व्हीकल्स नहीं होगा, मज़ा आएगा चलाने में। ये तो मतलब बहुत ज़्यादा व्हीकल्स है। आप सोचो शाम को जो पीक टाइम होता है उस टाइम कितना ज़्यादा होता होगा। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखो, ये रोड पे ना तीन लेन है अलग अलग, 1 2 3, मैं मिडिल में हूँ और लेफ्ट वाला जो लेन है वो है गाड़ी के लिए, ट्रक के लिए। बाइक वो लेन में अलाउड नहीं है, मतलब वैसे चला सकते लेकिन यहाँ का जो रूल है, रूल के हिसाब से एक्सट्रीम लेफ्ट वाला लेन पे बाइक अलाउड नहीं है, बाइक बस ये दोनों लेन पे अलाउड है। तो मेरे सामने जितना सारा भी आप बाइक्स देख रहे हो, देखो मैक्सिमम लोग थोड़ा राइट साइड शिफ्ट होकर चला रहे, लेफ्ट साइड में कोई नहीं है। ये देखो एक लेन पूरा छोड़ के चला रहे, दाग नहीं है फिर भी वो जगह छोड़ के चला रहे। यहाँ पे चेकिंग हो रहा है भाई, मुझे लगा मुझे पकड़ लिया। एक्चुअली कैमरा वगैरह लगा हुआ है ऊपर, अगर स्पीड ज़्यादा है, गलत लेन पे राइड कर रहे तो रोक लेंगे इधर। ये बाइक क्यों इतना हिल रहा है? टायर पंक्चर हो गया साला। अभी क्या करूंगा मैं, पहला दिन है भाई आज, भाई पहला दिन में ही पंक्चर। यहाँ पे पूछता हूँ भाई कुछ शॉप है कि नहीं। हेलो मैम, यू कैन स्पीक नाउ। क्या बोल रहे ở đây nè, chạy xuống khúc đó, ngay đây có cái bệnh viện đúng không, có cái đường băng qua nè, băng qua thấy cái tiệm sửa xe. Run down the part right there, here there is a hospital right there, there is no way across the street and you will see a car repair shop in right. Wait. Đây nè, xuống dưới cái chỗ cái đèn chớp rồi. Get down to the spot where the light is blinking. Okay. There is a road cross there. There is a car repair shop. Okay. Thank you. Google Translator, तुम बढ़िया हो। तो मुझे वो पॉइंट तक जाना होगा, वहाँ पे जाके मुझे बाइक रिपेयरिंग का शॉप तो पता नहीं, कार रिपेयर का शॉप मिलेगा। चलो भाई धक्का मार मार के जाते, रोड क्रॉस करना होगा, ऐसे बड़ा बड़ा बैरियर दिया हुआ है। भाई बहुत थक गया, और भी काफ़ी जगह वॉक करके जाना होगा। एटलीस्ट ये हल्का बाइक है इसलिए धक्का मार पा रहा हूँ मैं, मेरा एनफील्ड होने से तो धक्का मार के इतना दूर आने का चांस ही नहीं था। काफ़ी 700 मीटर जैसा आ गया, और भी जाना होगा काफ़ी, शायद 100 और 200 300 मीटर। और दो पहलू है, एक ये बोल सकते हैं लक खराब है इसलिए बाइक खराब हो गया, या फिर दूसरा ऑप्शन है लक अच्छा है इसलिए बाइक रिपेयरिंग शॉप मिल गया। पंक्चर रिपेयर हो रहा है, अभी रिपेयर हो रहा है, ठीक हो जाएगा। ओके थैंक यू। सो मैंने इनको अभी पेमेंट किया 50,000 डोंग, मुझे पहले से दिखा रहे, तो मैं सोचा साला 5 लाख दे दूंगा यहाँ पे, बाद में 1 लाख का एक नोट दिखा के ऐसे काट रहा है, मतलब आधा देना है उसको। यार बढ़िया, पंक्चर भी हो गया, प्रॉब्लम भी हुआ और उसका सॉल्यूशन भी निकल गया। ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम गया मेरा, 40 से 1 घंटा ऐसा गया यहाँ पे। आई होप अभी स्मूथली जाएगा सब कुछ, लेकिन अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 और मैंने अभी तक राइड किया 50 किलोमीटर सिर्फ, 2 घंटे में 50 किलोमीटर। सो यहाँ पे कुछ मैं अच्छा सा एक शॉप ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं बैठ के थोड़ा लंच भी हो या फिर कुछ भी खा सकूँ मैं, लेकिन ऐसा कुछ खास शॉप मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ये रोड साइड। ये एक शायद एक अच्छा रेस्टोरेंट दिखा मुझे, पता नहीं, देखते हैं। ये एक शायद एक अच्छा रेस्टोरेंट दिखा मुझे, कुछ देखते हैं चाय वाय मिलता है कि नहीं। हेलो को क्या बोलते हैं पता नहीं भाई वियतनामीज में, हेलो। सिन चाओ। सिन बढ़िया। सिन चाओ मैम, सिन चाओ।
कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया भाई, सिंचाओ बोला मैंने। टी टी यस नो नो क्या बोल के गई? भागो बोला क्या मुझे? चश्मा पहनने गई। वेट वेट चा ओके ओके टी ऐसा टी मिलता है क्या यहाँ पे? How much? 15. Price how much? 15. Okay. तो मुझे ठंडा नहीं चाहिए भाई, गला खराब है मेरा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। No. तो यहाँ पे ऐसे यहाँ बैठने का जगह है, थोड़ा ये पीता हूँ, पता नहीं टेस्ट कैसा है। मैं बैठने से मैम डू यू हैव ग्लास? ग्लास यहाँ पे चाय मिल रहा है, वो भी बोतल में, टी प्लस टेस्ट चाय जैसा है, चाय है तो चाय जैसा ही होगा। बहुत रेस्ट कर लिया। तो ऐसे सिमिलर टाइप के ढाबास बहुत सारे हैं जहाँ पे ऐसे झूला झूलने का जगह है। भाई आज चाय पिया बोतल में, विश्वास नहीं हो रहा था पहले। तो आधा घंटा यहाँ पे बैठा मैं, अभी टाइम हो रहा है 10:30। तो यहाँ पे रेस्ट करके काफ़ी अच्छा लगा, जो चाय है वो पी कर लगा कि एनर्जी मिला मुझे। लेट्स गो। थाईलैंड में कोई अनजान देखने से वो लोग खुद से हाई हेलो करते थे और स्माइल देते थे, वो कल्चर यहाँ पे नहीं है। हमारे इंडिया में भी नहीं है वैसे, अनजान लोगों को हम लोग स्माइल नहीं करते। तो गूगल दिखा रहा है और 2 घंटा 15 मिनट लगेगा मुझे जाने में। अभी भी मेरा लंच नहीं हुआ, तो कहीं पे बैठ के फिर से लंच करने वाला हूँ, तो काफ़ी टाइम जाने वाला है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा जो पहले जो थोड़ा बिजी वाला सड़क था वो अभी गायब हो चुका है। माइथुआ 20 किलोमीटर, ये एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। यहाँ का जो लोकल बाइक्स हो या फिर कार हो, ये लोग ना लेन क्रॉस नहीं करते, मतलब एक दो गलती से चले गए वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली हमेशा ये फर्स्ट और सेकंड लेन पे ही रहते, थर्ड लेन पे बाइक नहीं जाता। गूगल ने मुझे गांव वाला सड़क पे घुसा दिया, हमारे इंडिया में जैसे होता है तो सिमिलर वैसा ही सड़क है, थोड़ा टूटा फूटा सड़क, इतना देर काफ़ी अच्छा सड़क था। मैं वैसे हर एक चीज़ को कंपेयर करूँगा इंडिया के साथ या फिर किसी दूसरा जगह के साथ, ताकि आप लोग भी रिलेट कर पाओ, ठीक है? ऐसा मत समझना कि ऐसा निगेटिवली मत लेना चीज़ों को, पॉजिटिवली लेना। बस आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये सब रिलेट कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। बस मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं राइट साइड लेफ्ट साइड ना चला जाऊँ, बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है मुझे, क्योंकि इंडिया में हम लोग लेफ्ट साइड से चलाते हैं और यहाँ पर राइट साइड से चलाना पड़ रहा है। मैं भूल जाता हूँ बार बार और चला जाता हूँ उस साइड में, और अचानक से सामने से गाड़ी आता है तब चौंक जाता हूँ मैं। दो बहुत बार ऐसा हुआ। ओ आप कहाँ से लेके आए मुझे? लेकिन जिधर से भी लाए ये मुझे अच्छा लग रहा है, छोटा छोटा रास्ता विलेज के अंदर अंदर होके, बढ़िया, ये सब देखने में मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स बहुत अलग है हमारा इंडिया से, जैसे आप देख रहे हो ना स्ट्रेट पोल है, बस इंसुलेटर का जो पार्ट होता है वो पोल के बहुत ही करीब है, हमारा इंडिया में वो दूर रहता है पोल से थोड़ा। ओके सामने में हाईवे में जाके निकलने वाला हूँ। ये क्या है? अभी तक राइड करने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, वो पंक्चर छोड़ के और कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है। वैसे पंक्चर तो किसी भी बाइक पे हो सकता है, किस्मत में जो लिखा हुआ है वही होगा। धूप भी उतना खास नहीं है, वेदर सही है, हल्का हल्का ठंड है, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में।
और मैं जब से हाईवे से निकल के ये सब छोटा छोटा रास्ते में आया तब से मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा है। मोबाइल में बहुत यूज कर रहा हूँ जीपीएस के लिए, बैटरी भी कम हो गया है तो इसको चार्ज करना होगा और चार्जिंग का सीन ही है, मुझे पावर बैंक से चार्ज करना होगा क्योंकि ये जो मेरा चार्जर है कल देखा काम नहीं कर रहा था तो पता नहीं अभी वो ट्राई नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट पावर बैंक से ही करने वाला हूँ। तो बैग में है पावर बैंक और यहाँ से चार्ज हो रहा है, थोड़ा केयरफुली रहना होगा। ये जो बैग देख रहे हो ये अगर खो गया तो मैं गया, इसमें मेरा पासपोर्ट वॉलेट कैमरा पैसा सब कुछ इसी बैग में है। सामने से गाड़ी आ रहा है भाई, साइड लेते। कूद रहा, यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है त्रुंगलुंग माथुआ तम्यप, ऐसे ही स्पेल करते हैं लोग। अच्छा मुझे यहाँ से लेफ्ट जाना है, ये बोल रहा है बाइक नहीं जाएगा, फिर इधर बाइक जा रहा है, वैसे ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली बाइक का सिंबल है कि बाइक जाएगा नहीं इधर से, ये भाई साहब गए तो मैं भी सोच रहा हूँ जाके देखता हूँ क्या होता है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे जगह है जहाँ पे बाइक्स बिल्कुल अलाउड नहीं है रोड पे। दिस आउट स्ट्रेट लेफ्ट नो दिस वे ओके, गूगल में दिखा रहा है एक रास्ता है, ट्राई करूँ क्या? ट्राई करते हैं। हाँ इधर से ये रास्ता है, राइट जाना है मुझे, वो सीधा अगर चले जाए वो शायद एक्सप्रेस वे है, मैं शायद इधर से जा सकता हूँ, गूगल यही रोड दिखा रहा है मुझे। पता नहीं यार क्या होगा सामने जाके, ये तो एक्सप्रेस वे में निकल गया, गलती कर दिया मैंने इधर आके, ये एक्सप्रेस वे में आ गया, मैं पैदल ही घुमा लेता हूँ बाइक। फिर से पंक्चर हो गया साला, अभी सामने वाला टायर पंक्चर हुआ है, अचानक से देखा कि हैंडल हिल रहा है तो फिर से धक्का मार के जा रहा हूँ। आसपास तो कोई शॉप भी नहीं है, कोई लोग भी नहीं है, वो एक ठेला है शायद उसके ऊपर बाइक चला लूँगा, घूम ही नहीं रहा, हॉर्न मार रहा हूँ मैं। सॉरी अचानक से वीडियो का एंड कर रहा हूँ यहाँ पे, रीज़न ये है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, वैसे एडिट तो हो चुका है, 40 मिनट का हुआ है वीडियो, तो इसके वजह से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट कल या परसों आ जाएगा वीडियो, और अगला पार्ट में इतना इंटरेस्टिंग चीज़ें हुआ है ना कि मत पूछो, इस ये वीडियो में तो कुछ भी नहीं है, अगला पार्ट में और भी ज़्यादा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और हाँ वीडियो के थैंक यू सो मच।